बीवी की कमाई पे जीते हो तो उसके इशारों पे चलना भी अच्छी बात है। नमस्कार, शास्त्री वर्सेस शास्त्री का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है और मूवी एक पारिवारिक मूवी है। ये मूवी बंगाली में आई थी 2017 में और अब हिंदी में आ रही है। इसका ट्रेलर आया है तो पहले हम ट्रेलर देख लेते हैं। इसमें आपको देखने को मिलेंगे दादी दादा और मम्मी पापा, तो ट्रेलर पहले देख लेते हैं। शिवपुत्र सिद्ध रमैया कोम काली मठ को 5 साल की उम्र में किस नाम से पुकारा गया? दादी दादा नाम। कुमार गांधर्व। वेरी गुड, कुमार गांधर्व। मैं जानती हूँ कि एज ग्रैंड पेरेंट्स आप दोनों इसका बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो। यमन, मम्मी को अपने रिपोर्ट कार्ड के बारे में बताओ। एक्शन। गुड इवनिंग मम्मा। गुड नाइट। पर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो पेरेंट्स ही हैंडल कर पाते हैं। बीवी की कमाई पे जीते हो तो उसके इशारों पे चलना भी अच्छी बात है। एवरी सिंगल टाइम शी डज दिस। एक रात बच्चे को हमारे साथ सोने देती तो क्या हो जाता? वो हमारे साथ अकेले है, पहला वो अपने पेरेंट्स से कभी खुश नहीं हो पाएगा। पहले बाप बनने के काबिल बनो फिर बात करेंगे। बच्चे की लीगल गार्डियनशिप के लिए क्लेम कर सकता है। कुछ चैलेंज करता हूँ, बेटी को साथ लेकर जाऊंगा। इफ द फादर इज डीम्ड अनफिट टू बी अ गुड गार्डियन। तुमने चैलेंज किया था ना, इसे तुम अमेरिका ले जाओगे? मलार शास्त्री, चैलेंज इज एक्सेप्टेड। मलार शास्त्री इनका लड़का है। कौन है असली गार्डियन? बच्चे के बायोलॉजिकल पेरेंट्स हु नेवर केयर या केयर गिविंग बच्चे के बायोलॉजिकल ग्रैंडपेरेंट्स? अगर ऐसे केसेस को एंटरटेन करने लगे तो फिर पेरेंट्स अपने बच्चों को ग्रैंड पेरेंट्स के पास छोड़ने से भी डरने लगे। आपके जितना जिद्दी और सेल्फिश इंसान नहीं देखा। तुम दोनों को जहाँ जाना है वहाँ जाओ, वो मुझे कहीं नहीं जाएगा। वो मुझे क्यों अपनी माँ के पास नहीं ले सकती? क्या करती है मेरी? क्या मैं चाहता हूँ आप मुझे नहीं दे पाएंगे। इसमें आपको देखने को मिलेंगे परेश रावल, नीना कुलकर्णी जो उनके दादा और दादी बने हुए हैं। नीना कुलकर्णी ने और परेश रावल ने दादा दादी की एक्टिंग बहुत। शिव पंडित और मिनी चक्रवर्ती है कि मम्मी पापा बच्चे के कोलकाता में रहते हैं और दादा दादी के साथ में वो बच्चा रहता है और वो उनको भगवान की कहानी सुनाते हैं और उनसे सवाल पूछते हैं तो वो उनको जवाब भी देता है। और इसमें ये भी दिखाया है कि मम्मी पापा उनसे मिलने आया करते हैं अपने बच्चे से। वो कहते हैं रिपोर्ट कार्ड आया है बेटा मम्मी को दिखाओ, तो वो मम्मी दिखाता है। और कुछ दिन के लिए वो चाहते हैं कि उनका बेटा उसके साथ रहे। तो जब उनकी बीवी और वो सब लोग आते हैं ना जब डिनर टाइम पे, तो वो इशारा करती है कि इनसे पूछो कि हम अपने बेटे को ले जाना चाहते हैं। हाँ, अच्छी बात है कि तुम बीवी की बात मानते हो क्योंकि तुम बीवी के पैसों पर पल रहे हो, तो बीवी की बात मानना भी ज़रूरी है। पर पहले एक बात तो बन जाओ, इसके बाद में इसको लेके जाना। और ये बात घर के अंदर ही नहीं ख़त्म हुई, ये बात जाके कोर्ट में खड़ी हो गई। इसमें ये दिखाया गया कोर्ट रूम में जाके, और कोर्ट रूम में जाके ये फैसला होगा। 3 नवंबर को हमें देखना होगा कि क्योंकि वो कहते कि हमें बच्चे को ले जाने दो और उन्हें लगता है कि ये लोग बच्चे को अच्छे से रख नहीं पाएंगे। तो ये मूवी पूरी भावनाओं से भरी हुई है। भावनाओं का खेल तो होता ही होता था, इसमें ये दिखाया जाएगा कि ये खेल कोर्ट तक कैसे पहुंचता है, कोर्ट इस पर क्या फैसला सुनाती है। ये मूवी बहुत अच्छी होगी। वैसे शास्त्री इसका ट्रेलर इतना अच्छा था ना, इमोशनल ट्रेलर था, भावनाओं से जुड़ा हुआ ट्रेलर था कि दादा दादी अच्छे से ज़्यादा ख्याल रख सकते हैं नाती का या मम्मी पापा अपने बेटे का, कौन सबसे ज़्यादा ख्याल रख सकता है इसका फैसला कोर्ट करेंगे। और हमें कोर्ट का फैसला जानना है क्योंकि कोर्ट में ऐसा पहली बार हुआ है कि दादा दादी ने वहाँ जाके कंप्लेंट की है कि हमारा नाती हमारे साथ रहेगा
और मम्मी पापा ने अलग से कंप्लेंट की कि हमारा बेटा हमारे साथ रहेगा। तो ये मूवी भावनाओं से भरी हुई है। भावनाओं का कोर्ट में सम्मान होता है या अपमान होता है, ये तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। वैसे अपमान नहीं होगा, माँ बाप का भी सम्मान ही किया जाएगा और दादा दादी का भी सम्मान ही किया जाएगा कोर्ट में, ऐसा हमें लगता है इस ट्रेलर को देख के। बाकी तो इस ट्रेलर में देखेंगे, इस मूवी में देखेंगे कि क्या क्या दिखाते हैं। तो बने रहिए आप हमारे साथ, कमेंट बॉक्स में हमें आप लिखकर बताइए कि ये ट्रेलर आपको कैसा लगा। ट्रेलर बहुत दमदार था। केवल ये मूवी की जो कहानी है ना, दादा दादी और मम्मी पापा के बीच में घूमती है, क्योंकि वो जो बच्चा होता है ना, वो अपने दादा दादी से भी बहुत प्यार करता है और मम्मी पापा से भी बहुत प्यार करता है। बस टाइम दादा दादी के पास पे जाता है, क्योंकि वो कहते हैं कि बच्चे का पूरी तरीके से आप ख्याल रखते हैं, पर कुछ चीज़ें होती जो मम्मी पापा ही हैंडल करेंगे। तो वो कुछ चीज़ें क्या होती है ना, ये मूवी में देखने को मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। रिएक्शन वाले लिंक को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर से जरूर कीजिए। नमस्कार।